सौरमंडल के चारों ओर यात्रा करते हुए 45 वर्ष बिताने का एक स्पेसक्राफ्ट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नासा का वॉयेजर 1 मिशन, जो 1977 में शुरू हुआ था, 2012 में उस स्थान में प्रवेश किया जिसे वैज्ञानिक इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, और फिर बस चलता रहा। वॉयेजर 1 वर्तमान में पृथ्वी से 14.5 अरब मील दूर है, जबकि वॉयेजर 1 अभी भी चालू है। अभियान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में नोट किया कि ये सुरक्षित मोड में प्रवेश किए बिना या अलर्ट जारी किए बिना अंतरिक्ष में अपने स्थान के बारे में हैरान लग रहा था। वॉयेजर मिशन के इस चरण में इस तरह का रहस्य एक तरह से बराबर है। समस्या वॉयेजर 1 के एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ है, जो स्पेसक्राफ्ट और उसके एंटीना को सही ढंग से बनाए रखता है। ऐसा लगता है कि AACS चालू है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट आदेश प्राप्त कर रहा है, उन पर कार्य कर रहा है, और साइंस डेटा को पहले की तरह ही सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ पृथ्वी पर वापस भेज रहा है। बहरहाल, AACS स्पेसक्राफ्ट के संचालकों को गार्बेज टेलीमेट्री डेटा डिलीवर कर रहा है। नासा के बयान में ये खुलासा नहीं किया गया है कि समस्या कब या कितने समय से मौजूद है। एजेंसी के अनुसार वॉयेजर कार्यकर्ता समस्या पर शोध करना जारी रखेंगे और इसे हल करने या इसे अडेप्ट करने का प्रयास करेंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि पृथ्वी से एक सिग्नल को वॉयेजर 1 तक पहुंचने में 20 घंटे और 33 मिनट लगते हैं, और अंतरिक्ष यान की वापसी में भी उतना ही समय लगता है। नासा के अनुसार 1977 में लॉन्च किया गया ट्विन वॉयेजर 2 प्रोब ठीक से काम कर रहा है। ट्विन स्पेसक्राफ्ट द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली पावर लगातार कम हो रही है, और मिशन टीम के सदस्यों ने पावर को संरक्षित करने के लिए कई कंपोनेंट्स को बंद कर दिया है। उनका मानना है कि कम से कम 2025 तक जांच को चालू रखेंगे। नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट पर तकनीकी दल एक रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। इंटरस्टेलर एक्सप्लोरर सही ढंग से काम कर रहा है, पृथ्वी से आदेश प्राप्त कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, साथ ही साइंस डेटा कलेक्ट और वापस कर रहा है। हालांकि जांच के रवैये की आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम के रीडआउट्स सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं कि जहाज पर क्या हो रहा है। AACS अन्य बातों के अलावा स्पेसक्राफ्ट्स के ओरिएंटेशन का इंचार्ज है। ये वॉयेजर 1 के हाई गेन एंटेना को पृथ्वी पर सटीक रूप से बनाए रखता है, जिससे ये डेटा को घर वापस रिले करने की अनुमति देता है। सभी संकेत दर्शाते हैं कि AACS अभी भी चालू है, लेकिन ये जो टेलीमेट्री डेटा प्रोड्यूस कर रहा है वो इनवैलिड है। उदाहरण के लिए, डेटा रैंडम रूप से बनाया गया प्रतीत हो सकता है, या AACS की किसी भी संभावित स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। समस्या ने किसी भी ऑनबोर्ड फॉल्ट प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स को ट्रिगर नहीं किया है, जिसका उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित मोड में भेजना है। एक ऐसी स्थिति जिसमें केवल महत्वपूर्ण कार्य ही किए जाते हैं, जिससे इंजीनियरों को किसी समस्या का पता लगाने का समय मिल जाता है। वॉयेजर 1 से सिग्नल भी खराब नहीं हुआ है, जो दर्शाता है कि हाई गेन एंटेना अभी भी पृथ्वी के साथ सही ढंग से ओरिएंटेड है। टीम ये सुनिश्चित करने के लिए सिग्नल की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी कि क्या गलत डेटा सीधे AACS से आ रहा है, या टेलीमेट्री डेटा के उत्पादन और प्रसारण में शामिल किसी अन्य सिस्टम से आ रहा है। जब तक समस्या की प्रकृति को बेहतर ढंग से नहीं समझा जाता, तब तक टीम ये अनुमान नहीं लगा सकती कि स्पेसक्राफ्ट कितने समय तक साइंस डेटा कलेक्ट और ट्रांसमिट करने में सक्षम होगा। वॉयेजर 1 वर्तमान में पृथ्वी से 14.5 अरब मील दूर है, और प्रकाश उस दूरी को 20 घंटे और 33 मिनट में तय करता है। इसका मतलब है कि वॉयेजर 8 को संचार भेजने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने में लगभग 2 दिन लगते हैं। मिशन टीम को इस देरी की आदत है।